हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का पूरा वीडियो डबल क्लिनजिंग के ऊपर होने वाला है। अभी मैंने ये माइसेलर वाटर लिया है, गार्नियर का है ये। मेरी बॉटल टूट गई थी तो मैंने इसमें भर लिया है। सो इससे पहले मैं अपने ड्राई फेस पे फुल क्लीन करूँगी। आप यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, कुछ ड्रॉप्स ऑयल के लेके फेस में मसाज करके देन आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप में मैं अभी जो गार्नियर का माइसेलर वाटर है उससे क्लीन कर रही हूँ। तो बहुत से लोग पूछते हैं डबल क्लिनजिंग क्यों ज़रूरी है। हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, दिन भर की डर्ट डस्ट रहती है और ऑयल सीबम का प्रोडक्शन काफ़ी रहता है स्किन में। तो जब हम डबल क्लिनजिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छे से पोर्स क्लियर आउट होते हैं, प्लस ये सारी चीज़ें डिज़ोल्व होके बेटर तरीके से वॉश आउट होती हैं। अब कुछ लोगों का कहना है कि क्या डबल क्लिनजिंग ज़रूरी है, तो नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है टू क्लियर आउट स्किन मोर। डबल क्लिनजिंग के बाद प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से भी पेनिट्रेट करता है और आपको क्लोज कोमेडोंस एक्ने के इशू भी नहीं होते हैं मेकअप या सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद, या क्लोज्ड पोर जिनको क्लोज पोर की प्रॉब्लम हो जाती है उनके भी पोर्स क्लियर आउट हो जाते हैं। देन मैं यूज़ कर रही हूँ फेस नोवा का फेस वॉश। इसमें AHA BHA है प्लस फ्रूट एसिड्स हैं। काफ़ी ब्राइटनिंग फेस वॉश है, मेरा फेवरेट है। माइसेलर वाटर से फेस क्लीन करने के बाद मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ। फेस वॉश को एक दो मिनट लगा के रखती हूँ देन वॉश कर देती हूँ। इससे स्किन काफ़ी क्लियर आउट हो जाती है और काफ़ी जब से मैंने ये डबल क्लिनजिंग स्टार्ट किया है तो मेरा फेस काफ़ी हेल्दी रहता है। तो डबल क्लिनजिंग किन किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है? जिनको क्लोज कोमेडोंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनको एक्ने बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जो लोग सनस्क्रीन लगाते हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, उन सभी के लिए डबल क्लिनजिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल। ऑल्दो सभी ट्राई कर सकते हैं, इट्स वेरी गुड फॉर स्किन। सो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझे पूछ सकते हो और भी सजेस्ट कर सकते हो कि मैं किन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊँ। सो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय।